हेलो फ्रेंड्स, हमारी आरएस एमसीक्यूज की स्पेशल सीरीज में राजस्थान हिस्टोरिक एंड प्री हिस्टोरिक साइट्स का आज सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। तो चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। आज का पहला सवाल है, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलो डॉट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है ए कालीबंगा, बी आहड़, सी रैड, डी गणेश्वर। तो इसका सही आंसर है सी रेड। अगला सवाल है, प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल साबी नदी के तट पर बसा हुआ है? आपके ऑप्शन है ए जोधपुरा, बी नगरी, सी गणेश्वर, डी बरोर। तो इसका सही आंसर है ए जोधपुरा। अगला सवाल है, राजस्थान में ओझियाना तामर युगीन स्थल कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए सीकर, बी भीलवाड़ा, सी जयपुर, डी उदयपुर। तो इसका सही आंसर है बी भीलवाड़ा। अगला सवाल है, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन है ए रंगमहल, बी गणेश्वर, सी बागोर, डी विराटनगर। तो इसका सही आंसर है सी बागोर। अगला सवाल है, किस पूरा मध्यकालीन स्थल से किले के अवशेष और अनाज संग्रह के कोठार मिले हैं? आपके ऑप्शन है ए चंद्रावती, बी गणेश्वर, सी नगरी, डी नोहे। तो इसका सही आंसर है ए चंद्रावती। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी सभ्यता लोहे युगीन संस्कृति से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए सुनारी झुंझुनू, बी नोहे भरतपुर, सी गणेश्वर सीकर, डी जोधपुरा जयपुर। तो इसका सही आंसर है सी गणेश्वर सीकर। तो इसमें सुनारी, नोहे और जोधपुरा लोहे युगीन संस्कृति से संबंध रखती हैं, जबकि गणेश्वर तामर युगीन संस्कृति से संबंध रखती है। अगला सवाल है, रंगमल सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? नंबर एक, यह हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। नंबर दो, इसका उत्खनन का कार्य श्रीमती हना रीड के निर्देशन में हुआ था। नंबर तीन, यहाँ से प्राप्त पात्रों पर मानव तथा पशु आकृतियाँ चित्रित है। नंबर चार, उपर्युक्त सभी। आपके ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल तीन, डी उपर्युक्त सभी। तो इस सवाल में डी सही है, यानी ये तीनों ही कथन सही है। अगला सवाल है, निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में नगरी सभ्यता को माध्यमिका के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए अष्टाध्यायी, बी अर्थशास्त्र, सी मुद्रा राक्षस, डी वृत्त संहिता। तो इसका सही आंसर है ए अष्टाध्यायी। अगला सवाल है, कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृतांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया है? आपके ऑप्शन है ए महारानी विक्टोरिया, बी यति ज्ञानचंद्र, सी विलियम हंटर, डी मीराबाई। तो इसका सही आंसर है बी यति ज्ञानचंद्र। कर्नल जेम्स टोड ने यति ज्ञानचंद्र को अपना गुरु माना है। अगला सवाल है, चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण किस शिलालेख में कहा गया है? आपके ऑप्शन है ए अपराजित का शिलालेख, बी चिरवा शिलालेख, सी राज प्रशस्ति, डी बिजोलिया शिलालेख। तो इसका सही आंसर है डी बिजोलिया शिलालेख। अगला सवाल है, बडवा ग्राम जो कोटा में है से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन है ए एक, बी तीन, सी पाँच, डी सात। तो इसका सही आंसर है बी तीन। बडवा ग्राम से मिले ये शिलालेख मोखरी वंश से संबंधित है। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना 1955 में कहाँ पर की गई थी? आपके ऑप्शन है ए जयपुर, बी जोधपुर, सी बीकानेर, डी अजमेर। तो इसका सही आंसर है सी बीकानेर। अगला सवाल है, निम्न में से किस अभिलेख में महाराणा कुंभा के लेखन की जानकारी प्राप्त होती है? आपके ऑप्शन है ए राज प्रशस्ति, बी कुंभलगढ़ प्रशस्ति, सी जगन्नाथ राय प्रशस्ति, डी कृतिस्तंभ प्रशस्ति। तो इसका सही आंसर है डी कृतिस्तंभ प्रशस्ति। अगला सवाल है, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन है ए कालीबंगा एवं रंगमहल, बी बेराट एवं गणेश्वर, सी पीलीबंगा एवं रंगमहल, डी आहड एवं बागोर। तो इसका सही आंसर है ए कालीबंगा एवं रंगमहल। अगला सवाल है, राजस्थान में 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष उदयपुर के किस गांव से प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन है ए दिलवाड़ा, बी एकलिंग जी, सी आहड, डी चावंड। तो इसका सही आंसर है सी आहड। अगला सवाल है, सिवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? आपके ऑप्शन है ए मांड, बी विराटनगर, सी माध्यमिका, डी बागड़। तो इसका सही आंसर है सी माध्यमिका।
अगला सवाल है, बनारस संस्कृति किस सभ्यता से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए गणेश्वर, बी आहड़, सी बागोर, डी रंगमहल। तो इसका सही आंसर है बी आहड़। अगला सवाल है, किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है? आपके ऑप्शन है ए श्यामलदास, बी दशरथ शर्मा, सी दयाराम सानी, डी गौरीशंकर ओझा। तो इसका सही आंसर है बी दशरथ शर्मा। अगला सवाल है, राजस्थान की किस सभ्यता से दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं? आपके ऑप्शन है ए आहड़ सभ्यता, बी कालीबंगा सभ्यता, सी गणेश्वर सभ्यता, डी ओजियाना सभ्यता। तो इसका सही आंसर है बी कालीबंगा सभ्यता। अगला सवाल है, भीम डूंगरी व गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए बागौर सभ्यता, बी बरौर सभ्यता, सी बेराट सभ्यता, डी नगरी सभ्यता। तो इसका सही आंसर है सी बेराट सभ्यता। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।